सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। ये हमारा पीछे का पल्लर है, पहले हम इसको अटकल यहाँ से डबल करेंगे, यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच की, गले की लंबाई लेंगे 8 इंच की, यहाँ से हम गोलाई का शेप इस तरीके से लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच की, इसमें भी हमने गोलाई का शेप लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसके बराबर हम बुकरम की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे बीच में। अब हम यहाँ से गले की यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको हम यहाँ से इस तरीके से शेप। अब हमने यहाँ से 3 इंच लिया है, 3 इंच की लंबाई है, और यहाँ से हमने 2 इंच लिया है। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। अब इसके ऊपर हम पहले पाइपिंग लगाएंगे। जैसे हमारी पाइपिंग गले पे लगाते हैं कपड़े को तिरछा करके, उसी तरीके से हमने ये पाइपिंग की कटिंग की है। अब ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हम ये पाइपिंग को रखेंगे पट्टी को। अब इसके बाद हम इसको अंदर की शर्ट दबा के, जितनी हमें पाइपिंग पतली बनानी है उतना हम कपड़े को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है पाइपिंग के नीचे। अब ये आधे इंच कपड़ा हमने ज़्यादा लिया है पाइपिंग का, इसको हम अंदर की शर्ट दबा के अब हम दूसरी साइड पाइपिंग लगाएंगे यहाँ पे। अब हमने बुकरम लिए, इसकी लंबाई है 10.5, चौड़ाई है 9 इंच। अब हम इसको डबल करेंगे। अब हम ऊपर से 1 इंच ज़्यादा लेंगे और 1 इंच हमें यहाँ से ज़्यादा लेना है चौड़ाई में। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसको इस तरीके से निशान लगा लेंगे और ये दूसरी साइड।
अब हम एक चौकुटा कपड़ा लेंगे और अस्तर के ऊपर रख के बुकरम को इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब ये दोनों साइड से हमने अस्तर और बुकरम को दोनों को जोड़ लिया है। अब हम कपड़े के ऊपर ये बुकरम वाला इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमारी गोटाई वहाँ पे हम कट लगा लें और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी इसको रखना है। इसको हम सीधा करेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी सीधा करके सिलाई लगानी है। अब हमने 1.5 इंच के टुकड़े किए, 1.5 इंच की चौड़ाई है, 1.5 इंच की लंबाई है। यहाँ पे लगाएंगे 1 इंच हम इसको छोड़ के। उसके बाद अब इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। इसको भी हम सेट करके सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे रखेंगे। इसको हमें पहले नीचे से अच्छे से सेट करना है, बराबर रहे। अब हम यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी सिलाई दिखाई भी ना दे।
अब ये हमारी डिजाइन बन गई है। अगर आप इसमें यहाँ पे डोरी लगाना चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं। ये बन गई हमारे ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।